We are going to talk about cancer. It is like we all know that most dreaded disease of the human beings. ये globally भी बहुत सारे millions of people are affected by it. और India में भी millions, more than a million people, they are suffering from cancer. और annually बहुत सारी deaths होती हैं इसकी वजह से. So we need to understand what exactly it is. It is an abnormal and uncontrolled multiplication of cells resulting in the formation of tumor. Tumor क्या होता है? Mass of cells, बहुत सारे cells इकट्ठे हो जाते हैं. तो normally क्या होता है, जो cells हैं ये एक property show करते हैं contact inhibition की, जिसकी वजह से जब cells एक दूसरे के contact में आते हैं तो uncontrolled growth नहीं हो पाती उनकी. लेकिन जब cells ये property को lose कर देते हैं तो उन्हें हम कैंसर सेल्स कहते हैं. अब ट्यूमर्स जो हैं ये दो तरह के हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट. बेनाइन ट्यूमर होता है कि ये जो कैंसर सेल्स हैं ये पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे इनका ओरिजिन हुआ वहीं पर रहते हैं, एंड सो दे आर कंसिडर्ड टू बी हार्मलेस क्योंकि वो एक जगह पे ही पड़े हुए हैं. मगर अगर ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दे स्टार्ट स्प्रेडिंग एंड इन्वेडिंग टू द नियर बाय टिश्यूज दे बिकम हार्मफुल. तो ये मेटास्टेसिस होने लगता है, यानी कि ये जो कैंसर सेल्स हैं ये एक पार्ट से स्प्रेड होकर दूसरे पार्ट्स में जाने लगते हैं. तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो अब इतने सारे सेल हैं और वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल कम्पीट फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द नॉर्मल सेल्स ऑल्सो. तो फिर उनको भी स्टार्व करते हैं ये. तो अलग अलग तरह के कैंसर का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ कि अगर ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर हो रहे हैं तो दे आर कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज कार्सिनोमा. अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ में हो रहे हैं तो सार्कोमा. अगर मेलेनोसाइट्स, जो हमारे को कलर मेलेनिन पिगमेंट होता है, अगर उसका कैंसर हो जाता है तो मेलेनोमा. और ब्लड के कैंसर को ल्यूकीमिया बोलते हैं. एंड सिमिलरली स्प्लीन और लिम्फ नोड्स के कैंसर को लिम्फोमास कहते हैं. होते क्यों हैं ये कैंसर, क्यों होता है ये? तो इसके अलग अलग रीजंस हैं, अलग रीजन में अलग अलग फैक्टर्स हैं. उनको हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो फिजिकली अफेक्ट करें, लाइक रेज हो गई, गामा रेज हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, या फिर वो केमिकल्स हैं जैसे कि टोबैको स्मोक के अंदर केमिकल्स हो सकते हैं, विनाइल क्लोराइड हो सकते हैं, कैफीन हो सकता है, निकोटीन है, मस्टर्ड गैस है. सो दे कम अंडर केमिकल एजेंट्स. एंड देन वी हैव बायोलॉजिकल एजेंट्स ऑल्सो, जिसमें कि ऑन्कोजेनिक वायरस आ गया, सेलुलर ऑन्कोजीन्स आ गया और प्रोटो ऑन्कोजीन्स आ गए. तो ये जो है नॉर्मल सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो देन दे लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स. तो इन सब को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो भी हैं इनको हम वी टर्म देम एज कार्सिनोजेंस, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स. तो अब कैंसर को डिटेक्ट करना या डायग्नोस करना, उसका मेथड है बायोप्सी. अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप. तो इसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं. तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो जो पीस है वो कैंसरस है कि नहीं है. इन केस ऑफ ल्यूकीमिया बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स. रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेज, सीटी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन एंड MRI दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सारे टेक्निक्स हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर है कि नहीं है. यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स. देन टेक्निक ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट जीन्स रिलेटेड टू कैंसर. अब इससे क्या होता है कि प्रोटेक्ट हो सकते हैं. मॉलिकुलर बायोलॉजी इट कैन हेल्प टू डिटेक्ट द जीन्स इन क्वाइट अर्ली स्टेजेस, और फिर इन इंडिविजुअल्स को एक एडवाइस किया जा सकता है कि दे आर ससेप्टेबल टू कैंसर. तो उनको जो भी उनका पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस हैं जिनकी वजह से उनको कैंसर हो सकता है या जिस पार्ट में कैंसर हो सकता है उससे डिटरमिन करके दे कैन बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू दैट दोज पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी हो गया, ऑब्वियसली सर्जिकली रिमूव हो जाता है वो पार्ट. देन रेडिएशन थेरेपी इज अनदर. ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड
lethally without damaging surrounding normal tissue. Chemotherapy is use of chemotherapeutic drugs. Many drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. Then immunotherapy. The patients are given substances called biological response modifiers, for example, interferon, which activate their immune system and help in destroying the tumor. तो होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, समटाइम्स इट इज नॉर्मली इट इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ओनली दीज कैंसर सेल्स. तो ये जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं, जो इंटरफेरॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, उस इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर. तो नॉर्मली ज़्यादातर कैंसर्स के अंदर वो कहते हैं कॉम्बिनेशन लगता है ये तीनों जो थेरेपीज हैं, यानी कि सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है या फिर कीमोथेरेपी है, तीनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं. एंड वी डू नो दैट बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स कैन अकर.